गाइस एंड वेलकम बैक टू एंड बी दो। तो आज मैं बात करने वाले टाइसन जिंगा का वॉल के डायमेंशन में चल जाए तो क्या होगा। तो ये वीडियो की टॉपिक जो इंस्पायर स्पाइडर नो हेम जैसे मास्टरपीस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाल की मूवी स्पाइडर नो हेम, और पता है वो अपने मल्टीवर्स का बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट था, पूरी टीम ने कमाल कर दिया और हिंदी डबिंग बहुत बढ़िया था। और मैंने एक कमाल के यूट्यूबर के नॉलेजेबल वीडियो में देखा था कि उसको कैसे देखना है, तो मैंने पाइसी करके देखी, वेबसाइट भी कमाल की जिसने हिंदी डब दी थी। तो अब हम टॉपिक की तरफ बढ़े, टॉपिक जो है कि व्हाट इफ जिंगा एंड टाइसन मीट वॉल्ट, यानी कि अगर उनके डायमेंशन में चले गए तो क्या होगा। और जो तुम लोग थंबनेल में पिक्चर दिखी वो मैंने गूगल की कमाल की वेबसाइट गूगल वॉल्ट ऑलरेडी होती है, तो उसकी कमाल की वेबसाइट डेविस आर्ट से लिया है, तो उनको क्रेडिट जाता है। और जिसने इस आर्ट को बनाया, मतलब तीनों इन ओपी ब्लेडर्स की आर्ट बनाया, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। तो अब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि भाई पहले डायमेंशन में जाएंगे कैसे, मतलब टाइसन जिंगा वॉल्ट के डायमेंशन में कैसे जाएंगे। तो देखो, अपने बिग बी यानी स्पिरिट्स की पावर से जा सकते हैं, क्योंकि भाई उनके पास भी थोड़े छोटे मोटे डायमेंशन क्रिएट करने की पावर होती है, तो हो सकते हैं मल्टीवर्स में सफर कर पाए। और पैगसस ड्रैगन की पावर से जिंगा एंड टाइसन वॉल्ट के रूप में पावर है, और फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचेंगे तो समझ लो वो वॉल्ट को ही मतलब ऐसे मतलब वहाँ पर गए, और फिर उनको वॉल्ट मिल गया, समझ लो रास्ते में फिर कहीं गिर गए और फिर वो वॉल्ट से मिले। तो जब वो लोग अपने बेबलेड निकालेंगे, मतलब जब थोड़ी देर बात होने के बाद बेबलेड निकालेंगे, तो तीनों ही अपने तीनों के बेबलेड देख के शॉक हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के बेबलेड सिस्टम अलग होंगे। जिंगा टाइसन और वॉल्ट के तीनों के बेबलेड सिस्टम अलग होंगे, और तीनों ही तीनों के बेबलेड्स को देख के शॉक हो जाएंगे। एंड फिर वो लोग बैटल करेंगे, और इनमें बहुत ज़्यादा घमासान बैटल होगी, बहुत ज़्यादा एपिक बैटल होगी, क्योंकि तीनों ही मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वो जब बैटल करेंगे तो उन लोगों को समझ में आएगा कि ये दोनों भी बहुत ज़्यादा अच्छे ब्लेडर, मतलब समझ लो जिंगा जब बैटल करेगा तो उन लोगों को समझ में आएगा टाइसन और वॉल्ट भी एक अच्छे ब्लेडर है, और अपने बेबलेड को साथ अच्छा बॉन्ड है, और वो भी बेबलेड को मजे के लिए खेलते हैं, और टाइसन और वॉल्ट को भी वही फीलिंग आएगा जैसा जिंगा को फीलिंग आए। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर वो लोग मिले, मतलब उन तीनों के काफ़ी ज़्यादा स्वभाव में, मतलब एक बिहेव में थोड़ा बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, जिसकी वजह से वो लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और तीनों बहुत कमाल के बेबलेड है, तो उनकी जमेगी बहुत ज़्यादा अच्छी की, तो उन लोगों के साथ मिलने से ये होगा। और हो सकता है कुछ नए खतरे भी आ जाए, और नए खतरे से भी बहुत ज़्यादा कमाल के तरीके से लड़े अगर कभी ये तीनों मिले तो। यस, वैसे तो ये पॉसिबल तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कभी पॉसिबल होगा, पर अगर कभी पॉसिबल हो तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर भरा होगा इसमें, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये तीनों मिल गए तो। हाँ यार, ऐसे कुछ होगा शायद मेरे प्रेडिक्शन और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, तुम सबके क्या ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हाँ यार, मैं मिलूंगा ऐसे नए वीडियो से, तब बिस्मिल्लाह।